अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं रग जो है उसे रोल कर रही हूँ, क्योंकि आज के व्लॉग में आप मुझे देखेंगे चीज़ें इधर से उधर करते हुए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम घर की एक चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं तो घर का एकदम लुक बदल जाता है। आजकल मुझे ऐसा है कि घर में छोटे छोटे चेंजेस किए जाएं, क्योंकि जब घर में आप खुद एक चीज़ देख रहे होते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन इधर उधर चीज़ें करने से ही आपके घर में एक नया सा लुक आने लगता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो मेरे किचन में लंबा रग है उसको मैं ऊपर लेवल पर डालती हूँ। अगर अच्छा लगा तो उसको वहीं रखूँगी, नहीं अच्छा लगा तो फिर से सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन वो मुझे इतना प्यारा माशाल्लाह से लगा, आप देख सकते हैं कि एकदम से नया सा लुक आ गया। और प्लांट जो वहाँ पर था और जो पिक्चर फ्रेम्स थे उनके साथ कारपेट का कलर बहुत अच्छे से जा रहा था, तो इस चेंज को करके मैं बहुत खुश हुई। जब हम यहाँ स्टेयर के से उतरते हैं तो यहाँ सामने आप देख सकते हैं ये वाला फ्रेम लगा हुआ है, और जिससे आई एम नॉट वेरी हैप्पी। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। और बहुत ढूंढने के बाद मुझे कल ऑनलाइन एक पेंटिंग मिली है, और देखते हैं कि वो कैसी निकलती है। उसी को अभी हम पिकअप करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर होपफुली वो आ जाए, क्योंकि उसका साइज मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन अगर नहीं भी आया तो हम देखेंगे उसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा ये मेन वॉल है स्टेयर्स से उतरने के फौरन बाद से, कि यहाँ पर कुछ बहुत डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी ब्लैक फ्रेम की लाइनिंग है उससे थोड़ा सा डल पड़ता है। उसके बाद इस फ्रेम को हम कहीं और लगाएंगे, देखती हूँ मैं कहाँ मैं इसकी जगह बना सकती हूँ। यहाँ से जो हमने कारपेट हटाया है तो उसकी जगह हम ये मैट मैं लेकर आई थी, इसे मैं बिछाऊंगी। क्योंकि इस तरह के मैट बहुत अच्छे रहते हैं, ये एंटी फटीग है, बहुत ही ज़्यादा थिक है, तो अक्सर खाना बनाने में इतना टाइम हो जाता है कि इस पर खड़े होकर आराम से आप जो है कुकिंग करें बगैर थके हुए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बहुत ज़्यादा सर्दी है और अभी हम जा रहे हैं उस फ्रेम को पिक करने के लिए। This one I think. Yeah. This. Yes. Yes. Yeah, would I? I would need your ID. Okay, sure. And just to sign. Please. Got the frame and now I'm waiting for Hana and JD to come. तो ये गाड़ी में हम रखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं और चीज़ें भी, क्योंकि अभी तो हम आए हैं और इतनी जल्दी दिल नहीं भरता है। अच्छा साइज अब पता चलेगा कि कितना फिट आता है। हाँ काफ़ी अच्छी है ये वाली भी अच्छी है। एक्चुअली मुझे बेड के ऊपर के लिए भी एक चाहिए, मगर ये सीन वाली ना थोड़ी सी, मतलब मुझे ना थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट टाइप पसंद है, जैसे कि इस तरह की। ये देखिए ये भी बहुत प्यारी है, दिस वन फ्लोरल है, सिल्वर है और बहुत अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन। दिस इज़ ऑल्सो नाइस, ऐसा लगे रात को हम यहीं जा रहे हैं ना। हाँ ना, कुछ पेंटिंग में से ये रॉक चाहिए, ये बहुत 3D सी है ना, कितना लग रहा है रियल एकदम, लीव्स जो है वो बाहर आ रहे हैं। लैम्प्स बहुत सारे अच्छे हैं। नहीं बेटा नहीं, यू आर नॉट वेयरिंग ग्लव्स, चलो। -22, वेरी कोल्ड। सीजर से काटते हैं, ऐसे तो नहीं कट रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये नहीं सूट कर रहा है,
बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इतनी वाइड वॉल नहीं है और इस वजह से मुझे लग रहा है कि आई हैव टू ऐसा होता है ना जब आप कुछ सोचते हैं और वो ना हो तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो फिलहाल मेरा दिमाग जो है वो इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरे पास जो छोटे फ्रेम्स हैं उनके कलर्स इस तरह के हैं कि वो रिंग्स रख कर भूल जाते हैं, इससे पहले खो जाए पहन में उनके कलर्स इस तरह के इतने यहाँ पर उठेंगे या नहीं। आई हैव टू प्रिंट समथिंग न्यू या हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू, आई डोंट नो। अभी नया लेकर आई तो आपके सामने है कि क्या सिचुएशन हुई है। आप लोग भी आइडिया दे सकते हैं मुझे कि ये कहाँ पर अच्छा लगेगा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ऐसे मेरे पास एक यहाँ पर जो आपने देखा होगा अक्सर मेरी वीडियोस में, ये वाला, ये यहाँ पर बड़ा परफेक्टली सूट करता है। तो आई रियली लाइक दिस फ्रेम। तो इसी तरह मुझे लगा था कि ये जो है ये कहीं ना कहीं उठेगा, मगर ये जनाब जो है यहाँ पर तो बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहे। बट एटलीस्ट अच्छी चीज़ मुझे मिल गई, ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं घर में जरूर यूज हो जाएगी और खूबसूरत भी लगेगी। मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ एंड आई हैव टू थिंक कि मुझे क्या करना है, क्या चीज अब मैं यहाँ लगाऊंगी। आई डोंट वांट टू लीव दिस वॉल एम्प्टी बिकॉज दिस द मेन वॉल। आप जब एंटर करते हैं चाहे वहां से आए या ऊपर से उतरे तो वो मेन वॉल है, तो उसमें कुछ ना कुछ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोचती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको, दिखाऊंगी कि कर क्या रही हूँ। ये मेरे लिविंग एरिया में था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सूट करेगा। थोड़ी सी नेल को हम बाहर निकालते हैं। चलिए यहाँ पर ठीक है। हाँ सही है, यहाँ पे सही है। अब मुझे बताइएगा टेढ़ा है ना, थोड़ा सेंटर में करूँ। थोड़ा सा लेफ्ट पे करो इसको। जी मेरे दिल को ना यहाँ सुकून नहीं मिल रहा है ये लगा के, क्योंकि लाइव में ये थी और लग ये गया है, तो इसलिए ना वो सिक चैन नहीं आ रहा। करूँ तो क्या करूँ, बड़ा वाला कहाँ लगाऊँ? बड़ा वाला हम बेडरूम में ट्राई कर सकते हैं। हाँ शायद वहाँ पर अच्छा लगे, है ना? आप मेरी हेल्प करेंगे या मैं ही लगाऊँ? ट्राई करूँ? मैं तो नहीं लगाऊँ, मैं यहीं पे बैठूँगा। प्लीज ऐसा मत कहना, कुछ जगह मेरा हाथ नहीं पहुँचता। अब मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ इस बेचारे को जो कहीं भी फिट नहीं आ रहा है। देखते हैं शायद ऊपर कहीं ये काम आ जाए। कोई है गरीब की मदद करने वाला? इस तो इसकी जगह मैंने डिसाइड कर ली है, ये मेरे हस्बैंड का होम ऑफिस है। यहाँ पर ये वॉल एम्प्टी है, कुछ भी ऐसा नहीं है सिवाय उनके ऑफिस की चीज़ों के। तो इस फ्रेम को हम यहाँ पर लगाते हैं एंड होपफुली वो प्यारा लगेगा यहाँ। तो यहाँ पर ये लग गया है और आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस रूम में एक जैसे लाइट सी आ गई है, तो देखिए इस तरह से ये दिख रहा है यहाँ से ऐसा। तो काफ़ी टाइम लगाने के बाद, काफ़ी सोचने के बाद ही यहाँ पर फाइनली लग गई है। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, क्योंकि ये है होम ऑफिस और होम ऑफिस में इस तरह की चीज़ें ज़रा उठती नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट है पेंटिंग जो है और साइज़ भी एकदम परफेक्ट है रूम के हिसाब से। डे टाइम में ये और ब्राइट लगेगा। जो चीज़ लेकर आई थी वो यूज़ में आ गई। नाउ आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग रिलैक्स।